खुदाबंद कहता है 2024 में वो अपनी एक आर्मी को खड़ा करेगा जो उसकी पवित्रता के लिए बोलेगी और बात करेगी। अपने हाथों को उठा लो, खुदाबंद का आत्मा यहां मौजूद है। 2024 में खुदाबंद ने कहा मैं अपने उन विश्वासियों के ऊपर जो खुदाबंद की पवित्रता से उसे पुकार रहे हैं, परमेश्वर ने कहा मैं अपने हैबन को उनके ऊपर खोल दूंगा जब पहले कभी नहीं हुआ विश्वासियों की जिंदगी में होने जा रहा है। आमीन। जितना ऊंचा और लंबा ये ब्लेसिंग उतनी बड़ी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ, क्या आप तैयार हैं खुदाबंद के वर्ड्स को रिसीव करने के लिए? मैंने कहा क्या आप तैयार हैं खुदाबंद के वर्ड्स को रिसीव करने के लिए? आप जानते परमेश्वर ने क्या कहा? आपने हेवन और हेल का प्ले देखा। परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं अपने विश्वासियों के ऊपर 2024 में उन भेदों को प्रकट करूंगा और उन कीज को, उन चाबियों को दूंगा कि वो ब्लेसिंग्स को अनलॉक करेंगे। वो स्पिरिचुअल भी होंगी और फिजिकल भी होंगी। और जितने जन आज इस आत्मा के इन्फ्लुएंस के नीचे हैं, रिसीव करो उन इन्फ्लुएंस को, चाबियों को, उस ग्रेस को इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। रोहोमा सामेन अखंडे लेगोरमा सब्रियांदा नमस्याको खंडे। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी कलीसिया को खराब नहीं होने दूंगा, मैं अपनी कलीसिया में अपवित्रता को फैलने नहीं दूंगा, मैं उन लोगों को सजा दूंगा जो ये कामों को करते हैं। खुदा की जजमेंट उन पे होगी जो पवित्र अपवित्रता को फैलाते हैं। खुदाबंद ने क्या कहा सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा जो मेरे लोग होंगे, जो खुदा के लोग होंगे, जो बहुत समय से उसको पुकार रहे हैं, उसको बुला रहे हैं और पवित्रताई में चल रहे हैं, परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्टली कहा है कि मैं उनको ऐसी चाबियां दूंगा जो अनलॉक करेंगे अपनी ब्लेसिंग्स को, अपने छुटकारे को। परमेश्वर ने मुझसे कहा मैं इंडिया को इकोनॉमिकली, इकोनॉमिक रीति के साथ ब्लेस करूंगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा, आपने सुना होगा कि पंजाब का नाम है क्योंकि पंजाबियों ने योगदान दिया है, योगदान दिया है आजादी में, योगदान दिया है फाइनेंशियली, योगदान दिया है बहुत से कामों में, बहुत सी स्टेट्स ने योगदान दिया है। मराठों का अपना इतिहास है, पंजाबियों का एक अपना इतिहास है, हरियाणियों का अपना इतिहास है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे तुमने यूपी में देखा किस तरह से सताव हो रहा है। मैंने कहा हां परमेश्वर मैंने देखा। परमेश्वर ने कहा उसकी आंखें यूपी के ऊपर हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे पूरी दुनिया में, इस पूरे वर्ल्ड में अगर आप बहुत से मेहनती कौमों को इकट्ठा करेंगे तो आपको यूपी के लोग पहले 10 में नजर आएंगे। परमेश्वर ने मुझसे कहा ये लोग मेहनती हैं और मैं इंडिया को यूपी के द्वारा अब ब्लेस करने जा रहा हूं। आने वाले समय में इंडिया की इकोनॉमी जब ब्लेस होगी और इंडिया चाइना के बराबर काम करना शुरू करेगा तो मेरी बात को याद रखना, इस प्रोफेटिक वर्ड्स को। ये कोई स्टडी वाले वर्ड्स नहीं है, ये प्रेडिक्शंस नहीं है किसी न्यूज चैनल के जिसे मैं आकर प्रोफेसी के रूप में दे दूं। ये प्रोफेटिक वर्ड है, रियल वाला, फेक वाला नहीं। कि यूपी, परमेश्वर कहता है भारत का दिल की तरह काम करेगा, इकोनॉमी में वो भारत की सहायता करेगा और परमेश्वर यूपी के लोगों को ही बचाएगा और अपनी बेदारी को वो यूपी में फैलाएगा और परमेश्वर लोगों को खड़ा करेगा यूपी में, अपने लोगों को जो उन लोगों की सहायता करेंगे। परमेश्वर ने कहा मैं यूपी को ब्लेस करूंगा। अगर आप यूपी के लोगों को देखेंगे तो इतना मेहनती आपको कोई नजर नहीं आएगा। वो कंस्ट्रक्शन में हो, वो लेबर में हो, वो चीजों में हो, वो मेहनती। खुदावन ने कहा मैं उनको बढ़ाऊंगा, मैं इंडिया को ब्लेस करूंगा यूपी के द्वारा। परमेश्वर ने कहा आने वाले दिनों के लिए प्रार्थना करना, सांसदों के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि बहुत सी शारीरिक मुसीबतें शैतान उनकी जिंदगी में देना चाहता है। 2024 प्रार्थना का साल होगा,
अब लोग सरकार के लिए प्रार्थना करेंगे, सांसदों के लिए प्रार्थना करेंगे, शैतान के अटैक्स के खिलाफ आप प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर ने कहा अपनी प्रजा को, आज अपने लोगों को, कि बहुत सी मेगा चर्चिस को मैं खड़ा करूंगा, बहुत सी मेगा चर्चिस पंजाब में और खड़ी होंगी, बहुत सी मेगा चर्चिस दिल्ली में, बॉम्बे में, मुंबई में, महाराष्ट्र में खड़ी होंगी, पूरे इंडिया में बहुत सी मेगा चर्चिस और खड़ी होंगी, खुदाबंद की रूह ने कहा। परमेश्वर ने कहा मेरे बेटे, जब स्वर्ग में लोग आएंगे तो वहां पर इस तरह से स्वागत नहीं होगा, आ मेरे बिशप, मेरे प्रेरित, मेरे प्रॉफेट, आ मेरे एमपी, आ एमएलए, आ प्रधानमंत्री, आ। उसने कहा ऐसे स्वागत नहीं होगा, उसने कहा स्वर्ग में स्वागत होगा, आप मेरे विश्वासियों के दास। तो थोड़े में विश्वासियों के रहा, आ मेरे विश्वासियों के दास, तूने मेरे वचनों को छोड़ा और त्यागा नहीं, तूने मेरी सेवकाई को, मेरे काम को पूरा किया। परमेश्वर ने कहा स्वर्ग में इस तरह से स्वागत होगा। परमेश्वर ने कहा कि स्वर्ग में कोई सेलिब्रिटी नहीं है, तो परमेश्वर ने कहा धरती के ऊपर सब रूहों का मोल एक जैसा है। जैसे एक सेलिब्रिटी की रूह का मोल है, वैसे ही एक लेबर क्लास की रूह का मोल है स्वर्ग में। स्वर्ग के सामने कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। तो परमेश्वर ने कहा ऐसा नहीं होगा कि कुछ लोगों को बचाने के लिए हजारों और लाखों की रूहों के साथ छेड़खानी की जाए। परमेश्वर ने कहा मैं अपनी आर्मी को खड़ा करूंगा जो पवित्रता के लिए खड़ी रहेगी और बात करेगी। मैं अपनी आर्मी को खड़ा करूंगा जो मेरे हाथ को, मेरे मुंह को, मेरे ब्रेन को बोलेगी, मेरे हार्ट को लोगों को बताएगी। मैं उस आर्मी को खड़ा करूंगा। आप देखेंगे पवित्रता के प्रीच को जो कांबरा चर्च के द्वारा होता है, और भी लोग इसे फॉलो करेंगे और पवित्रता की इस टीचिंग को फॉलो करेंगे और आगे लेके जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मैं बहुत से लोगों को बचाऊंगा, मैं तुम्हें इंटरनेशनल और नेशनल सब तरह के लोग दूंगा जो आकर बचाए जाएंगे और घुटनों पर आएंगे इस चर्च में आने में, इस चर्च में आकर घुटनों पर आकर अपना जीवन परमेश्वर को दे देंगे। परमेश्वर ने कहा मैं अपने लोगों को बढ़ाऊंगा। उसने आप लोगों के लिए कहा है कि वो आपके फॉरन के रास्ते को और साफ करेगा। परमेश्वर ने कहा कि वो आपके रास्ते इसलिए साफ कर रहा है क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा बेदारी को पूरी दुनिया में लेके जाना चाहता है। आने वाले दिनों में कौमों में झगड़े बढ़ेंगे, लड़ाइयां बढ़ेंगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन परमेश्वर की आत्मा ने यह ठान लिया है। परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा है कि मैं अपने लोगों को पॉलिटिकली ब्लेस करूंगा, मैं अपने लोगों की पोजीशन को बढ़ाऊंगा, मैं अपने लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। आने वाले समय में आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा, जब से इतिहास बना है, जब से आप बने हैं, मैं बना हूं, जब से आपने इतने फाइनेंशियली ब्लेस मसीही लोग पंजाब में कभी नहीं देखे होंगे जो आने वाले समय में होने वाला है। याद रखो परमेश्वर तैयार अपने हेवन को ओपन करने के लिए, अपने स्वर्ग को खोलने के लिए वो तैयार है। और मैं यीशु मसीह का दास होने के नाते बोलता हूं कि वो स्वर्ग, वो कुंजियां आपको मिले, वो स्वर्ग आपके लिए ओपन हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने कहा 2024 में शैतान तुम पर अटैक करने की कोशिश करेगा, लेकिन परमेश्वर उसको शर्मिंदा करेगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा है मेरे बेटे, मेरे लोगों को बता, अगर वो 2024 में, जो परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि 2024 द ईयर ऑफ विक्टरी होगा, जीत का साल होगा, 2024 इज द ईयर ऑफ विक्टरी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, आमीन। मेरे को साथ चाहिए, आमीन, मेरे को ऊंचे चाहिए, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है कि जो कुछ ये भविष्यवाणी के शब्द, जो व्यक्ति इन शब्दों को सुन रहे हैं, वो अपनी वेदियों को बनाएं। अगर आप इस वचन को नहीं मानेंगे तो याद रखो 2024 के लिए की गई प्रोफेसियां आपके लिए नहीं हैं, क्योंकि ये चर्च इंटरटेनमेंट का अड्डा नहीं है, ये परमेश्वर की पवित्रताई, ये उसकी आग का अड्डा है, ये उसकी सामर्थ का अड्डा है जहां को शैतान के बंधन खत्म होंगे। और मैं आपको बता रहा हूं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से, परमेश्वर ने कहा 2024 में जो लोग चाहते हैं कि ये भविष्यवाणियां उनकी जिंदगी में पूरी हों, वो एक वेदी को बनाएं, वो एक प्रार्थना की वेदी को बनाएं, वो एक प्रार्थना की वेदी को बनाएं,
वो याद रखें कि प्रार्थना की वेदी को अगर वो नहीं बनाएंगे और रोज उस वेदी के ऊपर अगर वो प्रार्थना नहीं करेंगे, आपको एक जगह रखनी है, वो एक जगह आपको अपने अपने रूम में कहीं साइड पर कहीं भी जहां पर आपको बैठकर रोज प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने कहा जो लोग ऑटिज्म के मरीज हैं, जो बच्चे ऑटिज्म के मरीज हैं, जो व्हीलचेयर के बाउंड लोग हैं, जो लोग हैवी बीमारियों से लदे हुए हैं और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, परमेश्वर ने कहा 2024 में मैं उनकी जिंदगी में एक बड़ा मिरेकल, बड़ा चमत्कार, बड़ी हीलिंग मैं उनको देने के लिए जा रहा हूं। लेकिन परमेश्वर ने कुछ कहा है मुझे करने के लिए। उसने कहा है कि मेरे लोग वेदी बनाए, प्रार्थना की एक वेदी। एक व्यक्ति जिसको कैंसर हो गया और वो परमेश्वर को जानता था, उसने प्रभु से कहा, परमेश्वर मैं क्रिश्चियन हूं, मुझे कैंसर क्यों हुआ? उसे कोई जवाब नहीं मिला। वो रोता रहा कितने दिन तक और मरता रहा और मरने के किनारे पहुंच गया। और एक दिन पवित्र आत्मा ने उससे कहा कि बाइबल पढ़। उसने प्रभु से वायदा किया कि वो रोज 25 चैप्टर, 25 अध्याय रोज वो बाइबल को पढ़ेगा। और जिस दिन उसने रोज 25 चैप्टर बाइबल को पढ़ना शुरू कर दिया, कुछ ही महीनों के बाद वो पूरी तरह से कैंसर फ्री हो गया। परमेश्वर ने उसको फिर सेवकाई के लिए इस्तेमाल किया और आज भी वो जिंदा है और इसी जिंदाओं की धरती के ऊपर है। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि वो ब्लेसिंग जो मैंने आज तक अपनी स्पिरिट में कभी नहीं देखी विश्वासियों के ऊपर। अब इस बात को ध्यान में रखना, नए बिजनेस, नए आइडियाज, नई कुंजियां, नई चीजों को परमेश्वर अनलॉक करने के लिए तैयार है विश्वासियों की जिंदगियों में। आपको एक काम करना होगा। परमेश्वर ने कहा मेरे लोगों को बता कि उन्हें 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 एक प्रार्थना का स्थान बनाना होगा और उस आप जानते हैं कि जब एक मरीज टीबी की दवाई खाता है तो डॉक्टर उसे एक बात बोलते हैं कि अगर तूने एक भी गोली मिस कर दी रोज तो तेरा कोर्स दोबारा से शुरू होगा। यू कैनॉट ब्रेक द साइकिल, ये साइकिल को तोड़ना मत। 24 आवर में गोली इसे मिस मत करना। अगर ये मिस हो गई तो मैं फिर से कोर्स करना पड़ेगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि जो लोग वेदी बनाएंगे प्रार्थना की, पुराने समय में लकड़ी की, पत्थरों की वेदियां बनती थी, अब नहीं बनती। परमेश्वर ने कहा जितने लोग प्रार्थना की वेदी को बनाएंगे और रोज प्रेयर करेंगे उसके ऊपर और साइकिल को तोड़ेंगे नहीं, उस चक्कर को वो तोड़ेंगे नहीं, वो रोज बैठेंगे, दिल करे ना करे, खाना खाया नहीं खाया, राशन है नहीं है, बीमारी है या नहीं है, खुश है निराश है, दुखी हैं, बहुत आनंदित हैं, घर में शादी है, लेकिन वो उस वेदी को तोड़ेंगे नहीं। अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं और आप प्रेयर की वेदी को अगर नहीं तोड़ेंगे और रोज कम से कम 15-20 अध्याय रोज बाइबल के पढ़ेंगे, मैं आपको लिख कर देता हूं और ये रियल वाली प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, मैं आपको लिख कर देता हूं वो ब्लेसिंग्स अनलॉक होंगी जो कभी आपकी लाइफ में नहीं हुई। आप स्टूडेंट हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप पास्टर हैं, आप बिजी हैं, आप वेले हैं, कोई मायने नहीं रखता। आप उस वेदी को अगर तोड़ देंगे, उस साइकिल को तोड़ देंगे, आज की, परसों नहीं की, दो दिन नहीं की, फिर 3 दिन कर ली, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो लोग सीरियस हैं और उन ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं जो अनमैचेबल होंगी, अनमैचेबल, ऐसी ब्लेसिंग जो आपने पहले कभी भी ना तो स्पिरिचुअल लाइफ में महसूस की है ना अपनी फिजिकल लाइफ में देखी है। परमेश्वर ने कहा अगर तू उस वेदी को नहीं तोड़ेगा और तू बाइबल को पढ़ेगा जितना तुझसे कहा गया है और पूरा समय मुझे देगा और साइकिल को ब्रेक नहीं करेगा, उस सिस्टम को ब्रेक नहीं करेगा, टाइमिंग को ब्रेक नहीं करेगा,
ये नहीं आज सुबह 12 बजे प्रार्थना की, कल को रात को 10 बजे की, नो 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 नो। अगर आज 1 बजे प्रार्थना की है रात को, तो कल रात के 2 बज सकते हैं, 3 बज सकते हैं, लेकिन सुबह के 6 नहीं बज सकते। परमेश्वर ने कहा है कि जो लोग ये प्राइस को पे करने के लिए तैयार हैं, आपको परमेश्वर डिलीवर भी करेगा, हील भी करेगा। और मेरी बात को ध्यान से समझना, अगले साल जो लोग बंधे हुए हैं, व्हीलचेयर के, ऑटिज्म के मरीज, पार्किंसन के मरीज, व्हीलचेयर के मरीज, कैंसर के मरीज, न्यूरो डिसऑर्डर, हार्ट कंडीशंस, बोन्स कंडीशंस, जो सीरियस रोगी हैं, चल नहीं पा रहे, पिछले 10 साल से बाउंड हैं, अगर आपने ये वचन को सुना और फॉलो किया, मैं यीशु मसीह के नाम में कहता हूं, आप यहां खड़े होंगे गवाही के साथ अगले साल। और परमेश्वर ने कहा अगले 6 मंथ में, जनवरी से लेके आप लगा लो मई जून के पास ही, जितनी बहनें प्रेग्नेंट नहीं है चर्च में, मैं आपको बता रहा हूं ऑलमोस्ट 100% तक आप प्रेग्नेंट हो गए सभी। मैं आपको सच कह रहा हूं, अगर आपने ये वर्ड को फॉलो किया, अगर आपने इस वेदी को बनाया, आपने बाइबल को पढ़ा, आपने उस पवित्रताई को फॉलो किया, मैं आपको कह रहा हूं, आज मैं आपको सरमन देने के लिए नहीं आया हूं, आज मैं आपको वचन देने के लिए सिर्फ नहीं आया हूं, मैं आपको गॉड्स हार्ट बताने के लिए आया हूं, परमेश्वर का हृदय क्या कहता है। यूहन्ना 6 उसकी 63 में लिखा है, आत्मा तो जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं, जो बातें मैंने तुमसे कही हैं आत्मा है और जीवन भी है। जिन विश्वासियों को लगता है, जिन पास्टर्स को लगता है कि वो पुलपिट के ऊपर कुछ भी बकवास कर लेंगे और बाद में कुछ भी कह देंगे, नो, बाइबल कहती है, जीसस ने कहा, जो बातें, जो वर्ड्स मैंने तुमसे कहे हैं, दे आर द स्पिरिट्स, वो स्पिरिट है, जीसस के होली वर्ड स्पिरिट हैं। जब आप होली वर्ड्स को बोलते हैं, स्पिरिट आपको डिलीवर करती है, और जब आप गंदे वर्ड्स को बोलते हैं, शैतान आपकी जिंदगी में एंटर करता है। लोग बोलते हैं अपनी कलीसिया का ध्यान रखो, भाई साहब मेरी कलीसिया ये नहीं है, ये जीसस की कलीसिया है, अपनी तुम्हारी कुछ नहीं होता, इसलिए बोल रहा हूं बिजनेस छोड़ दो, तभी समझ आएगा अपना कौन थे दूसरा कौन, ये जीसस की कलीसिया है। तुम जीसस की कलीसिया के अंदर दुष्ट आत्मा को प्रवेश नहीं करवा सकते। कल टीम प्ले कर रही थी और बोला कि ये लड़की को कौन सा रोल दिया, कहते लड़की को व्यभिचार का रोल दिया, मैंने बोला लड़की को व्यभिचार का रोल नहीं देना, ताकि ऐसा ना हो कि जब लड़के लोग देखें तो उल्टा डिलीवर होने के बजाय स्पिरिट उनमें एंटर कर जाए। आप अपने लोगों को क्या दे रहे हो? जीसस ने कहा द वर्ड्स, जो बातें, द वर्ड्स दैट आई स्पीक अनटू यू, दे आर स्पिरिट्स, दे आर लाइफ। एंड व्हाट द डेविल सेड, कि जो वर्ड्स मैं कह रहा हूं वो स्पिरिट है और मौत है। जीसस ने कहा जो वचन मैं कह रहा हूं वो स्पिरिट है और जीवन है। आप ऐसे वर्ड्स को नहीं बोल सकते कि आपके सामने हजारों लोग दुष्ट आत्माओं से प्रभावित होकर चले जाएं और नरक के भागी बन जाएं, आप नहीं कर सकते। भाई साहब स्वर्ग में कोई सेलिब्रिटी नहीं, स्वर्ग में कोई अपोस्टल प्रेरित नहीं है, जितनी यहां रिक्शे वाले की वैल्यू है उतनी ही ऊपर, आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? स्वर्ग में थोड़ी कोई रिक्शा वाला और सेलिब्रिटी है। यह तो यह बात हो गई कि अगर मुझे वैश्या को बचाना है परमेश्वर में तो मुझे उसके साथ सोना पड़ेगा, अगर मुझे शराबी को बचाना है तो मुझे उसके साथ पीनी पड़ेगी, नो।